हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष के छात्रों को सप्ताह भर में दो परीक्षा परिणाम दिए जाने से मामला उलझ कर रह गया है। हालात यह है कि एक परीक्षा परिणाम में छात्रों को पास दर्शाया गया, वहीं उसी के अपडेट रिजल्ट में बच्चे फेल कर दिए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाराज छात्रों ने शुक्रवार को कॉलेज प्रशासन में जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्रा शीतल ने कहा कि जो छात्र छात्राएं प्लस टू में 80-80 फीसदी अंक लेकर उत्तीर्ण हुए थे, उन्हें भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जीरो अंक देकर भद्दा मजाक किया गया है। छात्रा ने कहा कि ग्रेजुएशन के पहले ही साल में इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद अभिभावक भी काफी तनाव में चले गए हैं। छात्र राहुल का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन की कारगुजारी के चलते स्टूडेंट्स में काफी असमंजस की स्थिति है। बच्चे यह भी नहीं समझ पा रहे कि उन्हें वापस फर्स्ट ईयर में बैठना है या फिर वह सेकंड ईयर में बैठे। छात्रा समृति का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली इतनी लचर है कि किसी सब्जेक्ट में छात्रों को 70 नंबर दिए गए हैं तो किसी में जीरो अंक दिया गया है। तो हमारा ये था कि अभी आपने देखा होगा कि 33% जो है वो बीकॉम का रिजल्ट आया है, उसके अंदर मात्र 33% बच्चे पास हैं। बीएससी के अंदर मात्र पूरे प्रदेश के अंदर एचपीयू के जो अंतर्गत कॉलेज आते हैं उसके अंदर मात्र 20% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। जो 80% बच्चे हैं क्या वो फेल हो गए हैं? निकम्मा प्रशासन है, 4 महीने के बाद रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर रहा है। अभी थोड़े दिनों के अंदर सीसे शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। तो बच्चा जो है वो सोच रहा है कि मैं फर्स्ट ईयर में जाऊं, रिवैल्यूएशन करूं, रिपेयर करूं, या मैं फर्स्ट ईयर के अंदर दोबारा बैठूं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि कुंभकर्ण की नींद के बाद जो सबसे ज़्यादा सोया वो है एचपीयू प्रशासन। एचपीयू प्रशासन हर जगह निकाम है, निकम्मा है, बिल्कुल ही सुस्त है, उसका रवैया सुस्त है। कुछ भी कर लो, रिवैल्यूएशन का जो है टाइम पीरियड वो 15 दिन का होता है, वो 3 महीने के बाद उसका रिजल्ट आता है। जब बच्चा रिजल्ट देखता था उसका एक भी मार्क्स नहीं बढ़ा होता। बच्चा अपने घर वालों को बोल रहा होता है कि मेरा पेपर बिल्कुल जो है बढ़िया हुआ है, मैक्सिमम 31 सीटों में से कम भी 27-28 सीटें भरी होती है, लेकिन उसका रिजल्ट में नंबर जब देखता वो उसके अंदर 4 नंबर होते हैं। जो बच्चा 12th, 11th या 10th के अंदर जो है टॉप करता है स्कूल में आके, वो हिस्ट्री के पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में यहाँ पे आके जो है फेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट के अंदर भी जो है वो कमी आई थी। 21 नवंबर को हमारी डिमांड ये है कि जो भी ये है रिजल्ट को दोबारा आए, दोबारा उसके अंदर रीचेकिंग हो, और जो एक टेक्निक से जो एचपीयू दोबारा किया जा रहा है उस टेक्निक को बंद करके मैन्युअली जो है वो किया जाए। और जितने भी हमारे भाई बहन पूरे प्रदेश के अंदर जो है ये बैठे हैं या चिंतित हैं या तनाव के अंदर हैं, उनकी ये मांगे पूरी हों। इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया है, उसी के तहत इनके कुछ एक ग्रीवेंसीज हैं जिनके बारे में इन्होंने ये हमें मेमोरेंडम जो है वो सौंपा है। अब हम इसको जो है आगे यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के पास पहुंचा देंगे, जो भी यथावत एक्शन होगा उनके द्वारा लिया जाएगा। मेरा नाम राहुल, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि बहुत गंदा रिजल्ट आया है, क्योंकि पिछले पूरा साल लॉकडाउन लगा रहा, INT के 2 महीने में इतने उन्होंने क्लासेस लगाई, मतलब खोली हो भी एक एक दिन के लिए, उसमें भी क्या ही पढ़ाया है इन्होंने। उसके बाद हमारे CC आ गए, उन्होंने CC में आ गया, फिर एनुअल फंक्शन आ गया, उनका हो गया ख़त्म, फिर फाइनल भी वो लेट करते रहे, उन्होंने लेट पेपर लिए फाइनल के, और इतना रिजल्ट लेट निकाला कि बंदा आगे ना कुछ कर सकता है ना कुछ। वो रिवैल्यूएशन के भरे तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, तब तक हमारे CC चले जाएंगे दोनों के, फिर हम क्या करें? मतलब हमें इंसाफ चाहिए HPU से। सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि हम ऐसा कर रहे हैं कि हम कुछ पेपरों में हम पास हैं, कुछ में हमें बिल्कुल ही 0-0 नंबर देके हमें पास किया गया है। हम चाहते हैं कि इससे हमारे पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं कि हम सेकंड ईयर का पढ़ें कि फर्स्ट ईयर का पढ़ें। जैसे हमारी सप्लीज दी गई हैं, हमें 3-3 पेपरों में फेल किया गया है। आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा होता है कि पॉइंटों पर भी पास कर लेते, तो बट पॉइंटों पर भी पास नहीं किया गया है। हमें हमारे पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि हम जैसे प्लस टू में हमारी 80% मार्क्स है, हम क्या इतने भी ना लायक है कि सर हमारे 60% भी नहीं बन रहे हैं। सर, एक तो हमारा रिजल्ट 7 महीने बाद आया है और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम फर्स्ट ईयर में बैठेंगे या सेकंड ईयर में। हम सभी को इतने सप्लियाँ देके फेल किए हो, एक में हमें 70 मार्क्स मिले, एक में हमें 1 मार्क्स देके फेल कर दिया हुआ है, एक में 2 दिए, एक में 60 दिए, हम कहाँ क्या करें? हमें अभी सेकेंड ईयर के पेपर लगने वाले हैं, हम फर्स्ट ईयर का पढ़ेंगे कि सेकेंड ईयर का पढ़ेंगे? हमें हमारी समझ से सब कुछ बाहर है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करेंगे। HPU इसके लिए जिम्मेदार है और हम चाहते हैं कि हमें प्रमोट किया जाए या इस पर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।